नमस्कार दोस्तों, बबताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मारी बिस्किट से आइसक्रीम। इसे आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी क्लिक कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैकेट मारी बिस्किट लिया है। यह काफी करारा, हल्का और कम मीठा होता है। यह गेहूँ के आटे से बना होता है, इसलिए यह हेल्दी भी है। यहाँ पर हमने फुल क्रीम दूध लिया है 1.5 लीटर, पाउडर शुगर 100 ग्राम, वनीला एसेंस लेंगे 1 चम्मच और कोको पाउडर लेंगे 1 चम्मच। तो सबसे पहले हम दूध को एक पैन में डालकर उबालने के लिए रख देते हैं। जब तक दूध में उबाल आ रहा है, तब तक हम बिस्किट को तोड़कर इसका हम पाउडर बना लेते हैं। बिस्किट को हमने बारीक पीस लिया है। अब हम इसे स्ट्रेनर की सहायता से छान लेते हैं। बिस्किट पाउडर को छानने से इसमें जो भी मोटा भाग रह गया होगा वो अच्छी तरह से छन जाएगा। दूध को हम मीडियम और हाई फ्लेम पर तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि इसकी मात्रा आधा ना हो जाए। बिस्किट को हमने एकदम बारीक पीसा है। दूध अब गाढ़ी हो गई है और इसकी मात्रा भी करीब आधी हो गई है। तो हम इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस और पाउडर शुगर डालकर अच्छे से मिला लेंगे। पाउडर शुगर डालने के बाद इसे हम 1 से 2 मिनट तक इसी तरह चला लेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को स्लो कर देंगे। उसके बाद इसमें हम बिस्किट पाउडर 1-1 चम्मच डालकर अच्छे से मिलाते जाएंगे। अगर आप चाहें तो बिस्किट पाउडर को दूध में घोलकर भी डाल सकते हैं। बिस्किट पाउडर डालने के बाद इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं, इससे आप घबराएं ना, क्योंकि इसे हम बाद में ब्लेंड करेंगे। और इसी तरह हम 1-1 चम्मच करके इसमें बिस्किट पाउडर डालकर अच्छे से मिलाते जाएंगे। गाढ़ा होने के बाद यह अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगा। इसमें आप 1 चम्मच कोको पाउडर भी डालकर इसी समय मिक्स कर लें। हमने इसमें 1 चम्मच कोको पाउडर डालकर मिला लिया है। बैटर हमारा थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें हम 1 कप दूध डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और इसे हम 1 से 2 मिनट तक इसी तरह मिक्स करेंगे, या जब तक बैटर हमारा ठंडा ना हो जाए। उसके बाद इसे हम मिक्सी में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। इसे हम ज़्यादा देर तक ब्लेंड नहीं करेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे। बैटर को ब्लेंड करने के बाद बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आया है। अब हम इसे एक एयर टाइट प्लास्टिक कंटेनर में डालेंगे और इसी तरह बाकी के बचे बैटर को भी ब्लेंड करके इसमें डाल देंगे। अब हम इसे बटर पेपर से कवर कर देंगे, जिससे इसके ऊपर बर्फ नहीं जमेंगी। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप एल्युमिनियम फॉइल का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसका ढक्कन बंद करके 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। आइए आइसक्रीम को अब हम चेक करते हैं।
बहुत ही अच्छी आइसक्रीम जमकर तैयार हुई है। अब हम बटर पेपर को हल्के हाथों से निकालेंगे। इस आइसक्रीम में बर्फ की परतें बिल्कुल नहीं जमी हैं। आप इस आइसक्रीम को एक बार बनाकर ट्राई करें, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही स्वादिष्ट आइसक्रीम जमकर तैयार है। आइए अब हम आइसक्रीम को सर्व करते हैं। तो आइसक्रीम को हम स्कूप की सहायता से इस तरह से निकालेंगे। इससे आइसक्रीम काफ़ी देखने में खूबसूरत दिखती है। अगर आपके पास इस तरह के स्कूप ना हो तो आप चम्मच से भी निकाल सकते हैं। आपको यह हमारी बिस्किट से बनी हुई आइसक्रीम कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब हम इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स से गार्निश कर लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट आइसक्रीम बनकर तैयार है। तो इसे आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव बताज किचन पर शेयर जरूर करें। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी क्लिक कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।